3 HP सबमर्सिबल बुल ओपन वेल मोटर में दूसरा भाग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग देखिए स्टार्टिंग का कॉइल वाइंडिंग कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं सेम प्रोसेस है। जैसे रनिंग का कॉइल डाल दिए वैसा ही स्टार्टिंग का ही डालेंगे। लोग ध्यान से देखते रहिए, इसके बाद कनेक्शन दिखाऊंगा। सेम प्रोसेस है, जैसा रनिंग कॉइल डाले हैं वैसा ही स्टार्टिंग कॉइल डाल दीजिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। मैं भी YouTube चैनल पर नया हूँ, प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए कि मेरा वीडियो जब जब अपलोड करूं आप लोग के पास चला जाए। परफेक्ट वाइंडिंग दिखाऊंगा, पूरा क्लियर वाइंडिंग, बिल्कुल आप लोग देखिए कितना फिनिशिंग वाइंडिंग आया है। आप लोग देख सकते हैं रोटर भी अच्छा से चला जाएगा। पहले कॉइल का स्विच कर लेंगे, आप लोग देख लीजिए रनिंग का स्टार्टिंग का दोनों का स्विच। कनेक्शन को अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद लूज कनेक्शन नहीं रहता है, वायर गर्म होने का चांस नहीं रहता है। आप लोग भी सोल्डरिंग करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सोल्डरिंग करने के बाद अच्छा से टेपिंग किया जाता है। वाटरप्रूफ टेप ज़रूरी है लगाना, नहीं तो पानी जाने से शॉर्ट कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अभी सीरीज वायर को टेपिंग कर रहा हूँ। सीरीज वायर होने के बाद दोनों कॉइल का रनिंग स्टार्टिंग का सीरीज वायर हो गया है, टेपिंग भी कर दिया हूँ और मेन कनेक्शन का भी सोल्डिंग कर देने से अच्छा रहता है, किधर भी लीकेज होने का चांस नहीं रहता है। और सेम टेपिंग करना है, जिससे सीरीज को किए हैं वैसा ही इंसुलेशन टेप और वाटरप्रूफ टेप से अच्छा से ज्वाइंट कर देना है। देखते रहिए और रनिंग भी दिखाऊंगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, हर एक वीडियो आपके पास पहुँचे। टिपिंग हो गया है देखिए, और रनिंग भी करके दिखा रहा हूँ, देखिए कितना प्रेशर है, रनिंग भी चेक कर दे रहा हूँ।